याद कर ले जिसमें बाकर आजादी पहुंची थी किनारे पे देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। ये ट्रुक है भारत माता के उन सपूतों को जिन्होंने इस आजादी को हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें हम आज याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने एक पावन यात्रा आरंभ की, विकास की, एक स्वर्णिम भारत के सर्वतोमुखी विकास की। पिछले 71 वर्षों में हमारे देश ने हर क्षेत्र में सराहनीय उन्नति हासिल की है। हमारा देश जो कि विश्व का सबसे बड़ा और शानदार लोकतंत्र है, आज तेज गति से आर्थिक विकास हासिल करने वाला देश बन गया है। हम सबको मिलजुल कर अपने इस महान देश को तरक्की और खुशहाली की राह पे और तेज गति से प्रशस्त करना है। इस रोपवे पे लगभग 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 1 घंटे में 800 यात्री भवन से भैरव के मंदिर तक पहुंच सकेंगे। आपको बताते हैं खुशी होती है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने आने जाने के लिए मात्र 100 रुपए का टिकट ही निर्धारित किया है। इन सभी परियोजनाओं का लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्री माता जी के दर्शन के लिए आए और किया जा सके। कटरा नगर श्री माता वैष्णो देवी जी को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के तौर पर चुना गया है ताकि इस नगर को और भी सुंदर बनाया जा सके। यहाँ पर हमारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु केवल अपने देश से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से हमारे दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा महसूस हो यह नगर सुंदर है, इसके आस पास के क्षेत्र साफ सुथरे हैं, इसमें हम सबको सही तरह से स्पष्ट हो गया। जब हम अपने देश को पॉलिथीन मुक्त बना पाएंगे, जब हम अपनी धरती को ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त करा पाएंगे, जब हम कूड़े कचरे की प्रॉब्लम के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, जब हमारी बेटियां एक विश्वास के साथ इस दुनिया में जन्म ले सकेंगी और जब हमारी बेटियां बहने माए शाम के वक्त रात के वक्त किसी भी तरह के कपड़ों में घूम पाएंगे खुले में, तो मैं मानूंगी कि हमारा देश असल में आजाद हो गया। पर चले वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें हम सबको अपने अपने जो है उस तरफ उस दिशा में कदम लगाना है। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सीओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पूरी टीम नहीं है, जो आज है वे कल नहीं होंगे।